बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेकी करने के लिए आपका करोड़पति होना ज़रूरी नहीं, बस दिल में नेकी करने की आरज़ू होनी चाहिए। अगर नमाज के लिए बेदार होना तुम्हारी पहली प्लानिंग नहीं, तो बाकी दिन की प्लानिंग के कोई मायने नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत ही नाकामी से हुई है। अगर आप अपने शरीक हयात और बच्चों से बुरे अल्फाज नहीं सुनना चाहते, तो काफ़ी है अपनी गुफ्तगू के अंदाज को बेहतर बनाएं। इस तरह घर वालों की गुफ्तगू की भी इस्लाह हो जाएगी। शोहर से वो फरमाइश ना करें जो इसके बस से बाहर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है, खातून के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो अपने शोहर को इसकी तवानाई से ज़्यादा पर मजबूर करे। परेशानियां सिर्फ मकाफात अमल के तहत ही नहीं आती, कुछ बतौर आजमाइश, कुछ बतौर तनबीह, कुछ बुलंदी दर्जात, कुछ गुनाहों के कफारा और कुछ आखरत की तैयारी के लिए बतौर याद दहानी के लिए भी आती हैं। याद रखें, जितनी रब से दूरी बढ़ती जाएगी, इतनी ही आपकी ज़िंदगी में मसाइल बढ़ते जाएंगे। पढ़ी लिखी जहालत अनपढ़ जहालत से कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक और तबाहकुन होती है। लोग आपको अपनी बातों और रवैयों से ज़िंदा मार देते हैं, फिर बोलते हैं अपना ख्याल रखिएगा। कोई उर्स का लंगर नहीं खाता, तो कोई मिलाद का, तो कोई मुहर्रम का, लेकिन गरीब का हक और हराम की कमाई सब खा जाते हैं। सुल्तानुल आरफीन बाहू फरमाते हैं, नफ्स चार चीज़ों से हलाक होता है। खामोशी का खंजर, भूख की तलवार, लोगों के मजमे से अलग थलग रहना, कम सोना। मैं आहिस्ता चलता हूँ मगर कभी पीछे की जानिब नहीं जाता। इब्राहिम लंकन। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर शामिल होंगे। इजाज़त दें अपने होस्ट नबीत अहमद शाह को। अल्लाह हाफिज़।